हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर वीडियो ऑन सॉलिड स्टेट पार्ट 5। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि क्रिस्टल पैरामीटर्स ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा के बेसिस पर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट। इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो एजेस होती हैं ए बी सी तीनों इक्वल होती हैं और इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पर एक क्यूब आपके सामने बना हुआ है। क्यूब में हम कहाँ कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रख सकते हैं उसके बेसिस पर तीन तरह के अरेंजमेंट इसमें होते हैं। हमने पहले भी देखा था, पहला प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड और तीसरा फेस सेंटर्ड। एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, दीज आर कॉर्नर्स। 12 एजेस होती हैं, यह है एज, ऐसे ही 12 एजेस हैं और 6 फेसेस होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की। तो पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं कि प्रिमिटिव में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्लेस्ड होते हैं वो हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होता है। तो ये क्यूब यूनिट सेल है जिसमें हर कॉर्नर पर ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे गए हैं। सपोज़ ये आपका एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें मैंने रेड कलर से एक यूनिट सेल को शो किया है। तो अगर अपन बात करें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना पार्ट केवल इस रेड पोर्शन के अंदर आएगा, तो आप यहाँ इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इस पूरे पार्टिकल का, इस पार्टिकल को हमने एक स्फीयर माना है, इस स्फेरिकल पार्टिकल का ओनली 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर आएगा। तो एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, तो ऐसे हमारे पास 8 पार्टिकल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल वो हो जाएगा 8 पार्टिकल्स, हर पार्टिकल का 1/8 पार्ट, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 1 एटम। नेक्स्ट होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव तो होता ही है, एक एक एटम हर कॉर्नर पर होता है और साथ में एक एटम क्यूब के सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर रखा होता है, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखा हुआ है। तो कॉर्नर वालों का पार्ट तो अपन ने देखा कि 8 कॉर्नर्स एटम है और हर किसी का पार्टीशन 1/8 है, तो यहाँ से तो हो जाएगा 1 एटम। और ये बॉडी सेंटर्ड वाला पूरी तरह से इसका 100% पार्ट बॉडी के अंदर ही होगा, तो यहाँ से भी हो जाएगा 1 एटम। इस तरह से बीसीसी में, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, हो जाएंगे 2 एटम। नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक एक एटम कॉर्नर पर होने के साथ साथ एक एक एटम हर फेस के सेंटर पर होता है। ये जो ग्रीन वाले एटम दिख रहे हैं ये 6 फेसेस, आप इसको एक कमरे की 6 दीवारों की तरह समझ सकते हैं, हर दीवार के सेंटर पर एक एक एटम रखा हुआ है। तो अगर इस एटम की बात करें तो ये अगर आप किसी कमरे की दीवार के बीच में रखेंगे तो इसका ओनली हाफ पार्ट ही हमारे कमरे के अंदर आएगा, बाकी हाफ पार्ट किसी दूसरे कमरे में जाएगा। तो यूनिट सेल के अंदर फेस सेंटर वालों का जो पार्टीशन है वो है हाफ। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो हो जाएंगे कॉर्नर वालों का 1 और 6 एटम रखे हुए हैं और हर किसी का पार्टीशन है हाफ, तो यहाँ से हो जाएगा 3। इस तरह से हो जाएंगे टोटल 4 एटम्स। थैंक यू।